मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का एक सपना रहा है और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो आप सभी का सपोर्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग भी कह सकते हैं, माय फर्स्ट ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि ये लाइफ का मेरा सबसे पहला ब्लॉग है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस पहले ब्लॉग में क्या करूँ और जो कि आप सबको पसंद आए। और मुझे ये भी पता है कि मैं इस पहले ब्लॉग से आप सभी का दिल नहीं जीत सकता, बट इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए और मुझे पता है आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दोगे और एक मौका भी। आशा करता हूँ आने वाले वक्त के साथ मैं आप सभी को ऐसे ऐसे ब्लॉग दूंगा जो आप सभी के दिल को जीत लेंगे और यह मैं अपने एक कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ क्योंकि मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। और इस टाइम टू माय इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ और मेरी फैमिली में कौन कौन है, ये सब मैं आप सबको अब आगे बताता हूँ। अब लोकेशन चेंज करने का टाइम है। सो गाइस, वैसे तो मुझे प्यार से गोलू कहते हैं और वैसे मेरे स्कूल में नाम है सचिन, तो और मेरे जो दोस्त हैं, जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं, वो मुझे प्यार से बुलाते हैं पबजी। वो पबजी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं बहुत ही बचपन से ही बहुत ज़्यादा पबजी खेलता था, जब से पबजी आया है, और इसीलिए मुझे उन्होंने मेरा नाम पबजी रख दिया था। और इस चीज़ से मैं बुरा नहीं मानता था क्योंकि मैं पबजी खेलता था और इसीलिए उन्होंने मेरा नाम पबजी रख रखा था। और स्कूल में क्लास टीचर भी मुझे पबजी के नाम से बुलाते थे बिकॉज आप सभी को बता दिया मैंने, क्योंकि मैं पबजी खेलता था। और इस चीज़ से मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था और थोड़ा सा अच्छा लगता था, फनी टाइप, बिकॉज दोस्त थे और उनकी बात का बुरा मानना भी बहुत बेकार बात होती है। अगर तुम जितना बुरा मानोगे, आप सभी को पता है, वो इतना ही ज़्यादा कहेंगे। सो आप सब भी मुझे प्यार से पबजी बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पबजी के ब्लॉग्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। और बात रही तो यहाँ में ये मेरा प्लॉट है, यहाँ मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये सारे पेड़ जो मेरे पापा ने बड़े प्यार से लगाए थे। और हाँ, मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और मेरी एक छोटी बहन है और एक अकेला मैं हूँ। और ये मैं सोच रहा है कि मैं घर वालों के अकेला बंदा हूँ तो यहाँ मेरे को ज़्यादा प्यार मिलता होगा कि मेरी फैमिली में ज़्यादा भेदभाव, ऐसा बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं है, दोनों को प्रॉपर प्यार मिलता है। और वो छोटी है तो आप समझ सकते हो उसको और ज़्यादा, तो उसकी सारी डिमांडें पूरी होती हैं। और कहते हैं तो ये हमारा घर है यहाँ खैर में, और खैर ये एक हमारे अलीगढ़ ज़िले के अंदर आती है और ये एक कस्बा है छोटा सा, कुछ ज़्यादा बड़ा शहर नहीं मान सकते इसे, एक कस्बा है छोटा सा, हम लोग यहाँ रहते हैं। गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और चैनल को और अच्छा लगा हुआ है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक और अच्छे अच्छे कमेंटें करो। और अभी के लिए मैं जाने के लिए लेता हूँ इजाज़त, अब मिलते हैं अपने एक और नए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।